आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा सेवन्थ की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 6, तिथि 13 अक्टूबर 2020 के लिए। विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम, रेखा तथा कोण समरण कीजिए, यानी कि याद कीजिए। बिंदु क्या है कोई माप नहीं, केवल स्थिति है। जैसे यहाँ पर ये ए पॉइंट दर्शाया गया, पॉइंट है ये, इसका नाम ए। रेखा निश्चित माप नहीं होती, रेखा की जो है निश्चित माप नहीं होती, जिसको लाइन कहा जाता है। बिंदु को पॉइंट कहा जाता है। बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक्स वाई लाइन भी कहा जा सकता है, या फिर एम लाइन भी इसको कहा जा सकता है। एम लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से एक्स वाई से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो पॉइंट रिप्रेजेंट कर और एरो का निशान लगाकर। अब यहाँ रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट कहा जाता है इंग्लिश में। लाइन सेगमेंट का क्या है कि दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि रेखाखंड किसी टुकड़े का एक टुकड़ा जिसका दो अंत्य बिंदु हों। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, ए बी और इस पर बार, ए बी पर बार, ऊपर जो ये डंडा लिखा हुआ है ये लिखना जरूरी है। तो ये रेखाखंड हो जाता है हमारा ए बी। तीसरा है किरण यानी कि रे। किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसका अंत्य बिंदु नामांत प्रारंभिक बिंदु होता है, और अंत्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। तो यानी कि जैसे अगर आप टॉर्च से देखें, टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है वो कहाँ तक जा रही है आपको नहीं पता, लेकिन जहाँ से आप टॉर्च का जो यानी कि बल्ब जहाँ लगा हुआ है वहाँ से निकल रही है रोशनी, तो यानी कि वो उसका शुरुआती पॉइंट हो गया, वो अंत तक कहाँ तक जा रही है इसका हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है एक एग्जांपल हो जाता है रे का। तो किरण को ओपी संकेत से दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पर ये एरो का निशान लगाया हुआ है। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं, एक बिंदु से इनफाइनाइट किरणें निकल सकती हैं। कितनी निकल सकती हैं, एक बिंदु से इनफाइनाइट किरणें निकल सकती हैं। आगे यहाँ पर कोण क्या होता है। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंड के मिलने से बनता है। यहाँ पर सुन लीजिए, कोण क्या है, एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं या रेखाखंडों, दो किरणें भी हो सकती हैं, रेखाखंड भी हो सकते हैं, रेखाएं भी हो सकती हैं, उनके बीच में जो जगह रहती है खाली, जैसे यहाँ पर ये दो रे दी हुई हैं, इनके बीच में जो ये खाली जगह है ये जगह कहलाती है हमारा कोण। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोण को एंगल। तो एंगल ओ बी कहा जाता है इसको, या एंगल पी ओ क्यू या एंगल क्यू ओ पी भी कहा जाता है। क्या इस सरल रेखा कोण हो सकती है, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है, एक सरल रेखा है जो है कोण हो सकती है, तो उसके दोनों तरफ कोण हो सकते हैं, कौन कौन से, किस तरीके से। जैसे यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो पूरक कोण, जब दो कोणों की मापों का योग 90 हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक, जब दो कोणों का माप योग 180 डिग्री होता है। आगे यहाँ पर आसन कोण यानी कि एडजेसेंट कोण भी कहा जाता है, ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों। आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष व उभयनिष्ठ भुजा होती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में, यहाँ इसके और इसके बीच में ये लाइन जा रही है, और यहाँ पर ये दोनों की दोनों इस लाइन से जॉइंट हैं ये कोण। तो ये कोण जो कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इसके आसन कोण कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, आसन कोण। इनको लिखा जाएगा यानी कि कोण पी ओ आर और कोण आर ओ क्यू आसन कोणों का युग्म है। उभयनिष्ठ भुजा ओ आर जो ये है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, जो दोनों में है वो उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। आगे यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कि जो ये पॉइंट ओ है ये उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में है। भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, ये और ये लाइन ओपी और ओक्यू जो है दोनों में नहीं है, ये अलग अलग है। रेखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर जिसे कहा जाता है, एक रेखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएँ जो उभयनिष्ठ नहीं हैं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये ओपी और ओक्यू ये जो है रेखिक युग्म है, लीनियर इक्वेशन इनको कहा जाता है। आगे यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न, आओ अभ्यास करें। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। यहाँ पर एक 50 है और ये 30 है।
अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो इनका योग 180 होता है, जिसको क्या कहा जाता है, समपूरक कोण कहा जाता है। यहाँ पर ये दोनों के दोनों इस तरीके से हैं तो इनको क्या कहा जाएगा, रैखिक युग्म कहा जाएगा। ये दोनों के दोनों हैं ये कहलाएंगे आसन कोण, और ये जो हैं इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो इसको पूरक कोण कहा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण एक कोण दो का आसन है? इस आकृति में कोण एक कोण दो का आसन है? नहीं, ये इसका आसन कोण नहीं है, तो ये नॉट आ जाएगा आपका। तीसरा, अपने आसपास की वस्तुओं में से कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपके पास हज़ारों एग्जाम्पल हैं, कोई भी दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, तीन दे सकते हैं, चार दे सकते हैं, कुछ उदाहरण लिखा हुआ है तो आप कई भी एग्जाम्पल इसके अंदर दे सकते हैं। जैसे हमारी उंगलियों के बीच में जो ये एंगल्स बनते हैं ये कोणों के उदाहरण है हो गए। हमारी जो है ये शरीर और हाथ का जो हिस्सा है इनके बीच में जो एंगल बनते हैं, टांगों के बीच में जो है ये भी एंगल है। तो इस तरीके से हज़ारों चीज़ें हैं जिनके बारे में आप इजीली बता सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यहाँ पर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, 2 गज या 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।